वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के किसान और आम जनता भाजपा सरकार और व्यापारियों के बीच साठगांठ होने से परेशान है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सवाल इस बात का है, पूरे प्रदेश की जनता और हर पूरे प्रदेश के करोड़ों किसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की व्यापारियों के द्वारा साठ गांठ मिलकर करने से जो कांग्रेस पार्टी के समय सोसाइटियों को 80% खाद और व्यापारियों को 20% खाद देने का प्रतिबंध लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वो प्रतिबंध हटा दिया और पूरा खाद गोदामों में न भर के व्यापारियों के गोदाम में चला गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा गया खाद का संकट है। आज भी पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री ने कल स्वयं जीतू पटवारी के प्रश्न में स्वीकार किया कि हमें आधा खाद मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ है वो लगातार हड़ताल करने पे है, बैठा हुआ है। अभी रायसेन और सीहोर के पास किसान संघ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बच्चियां हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं में, उनके फादर वगैरह खेत में जा रहे हैं, पिताजी वो बेचारी लाइन में लगी कि सुबह से मिले खाद, एक बोरी मिल जाए। पूरा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी सरकार बर्बाद करने पर उतारी है। किसान की जब स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो ना व्यापार चलेगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान के भरोसे ही मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चल रही है। देखो आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात कही, मैं निश्चित रूप से खम्भे पे गया। क्यों? जब ट्रिपिंग हो रही थी और उन पे झाड़ों का वो था, तो मैंने संदेश और उस काम को करना, जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए काम किया। पर इसके लिए हमारे सम्मानी कांग्रेस जन कहते थे ये नौटंकी है, पर पंजाब का मुख्यमंत्री जब बिजली के खंभे पे वैसे ही चढ़ करके करता है तो वो नौटंकी नहीं है। तो मैंने इसलिए ये बात स्पष्ट की थी। मैं धन्यवाद देता हूँ, जनता की समस्या खंभे पे चढ़े लेकिन खतरे बचाओ, प्रदेश के लिए खतरा पैदा मत करो। अरे मंत्री जी आधार कार्ड के आधार पर जो है 40% माफ हो रहा है बिल। अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनसे 100% बिल लिए जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ऐसे जिनके पास बिल हैं, जो कोरोना काल में फ्रीज किए गए थे, जिन्होंने इस स्कीम के तहत फार्म भर दिए हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिले। आधार कार्ड की बात कर रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, नहीं भी हैं, अगर उसका बिजली का बिल है, कोरोना काल में वो स्थगित हुआ है, तो उस बिल पे छूट देंगे। खाद की समस्या को लेकर भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।